My father wanted me to be a doctor. लेकिन वो मुझे कुछ उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा, इसलिए मैंने आर्ट्स लिया। फिर और आर्ट्स में बड़ा वक्त रहता था। देन आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामेटिक्स डिबेट्स वगैरह जो हमारे कॉलेज में होती थी शिमला में, बीएम कॉलेज शिमला में। तो और वहाँ पर बहुत से ड्रामेटिक क्लब्स उन दिनों में है ना, गेटी गेटी थिएटर है एक वहाँ पर जहाँ के बड़े ड्रामास होते हैं। तो मेरा शौक़ ज़रा ड्रामा की तरफ बढ़ा। उसी शौक ने मेरे ख्याल में ये मेरे दिल में ये ख्याल पैदा किया कि आई शुड टेक टू एक्टिंग, बिकॉज माई फ्रेंड्स एंड माई वेल विशेज एडवाइस मी दिस वन प्रोफेशन वेयर यू कैन ट्राई योर हैंड एंड यू विल बी सक्सेसफुल। डिड यू नो एनीबॉडी इन द फिल्म इंडस्ट्री? बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं जानता था मैं। हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर इन बॉम्बे? अपने बल पे किया, लेकिन सबसे पहले आने से पहले मैंने आते ही यहाँ पर एक नौकरी की तलाश की, क्योंकि आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम शिमला। देन क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन मेरी ये ऐसी नहीं थी कि मैं बगैर किसी के सपोर्ट के यहाँ रह सकूँगा, विद सम बड़ी सपोर्ट, बिकॉज माई फादर मेड इट वेरी क्लियर ही वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो और भी फैमिली थी, अब या फाइव ब्रदर्स एंड वन सिस्टर्स। उसने कहा भी देखो यहाँ वहाँ जाके पहले नौकरी ढूंढो, ग्रेजुएशन करो, नौकरी ढूंढो, नौकरी ढूंढने के बाद अपना स्ट्रगल एम्बिशन पूरा करो, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना यू शुड नॉट वेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। एवेंचुअली आई वॉज स्पॉटेड बाई समबडी इन ए रेलवे ट्रेन, पंजाबी पिक्चर बना रहे थे, उनको हीरो की सख्त जरूरत थी। प्रोडक्शन मैनेजर मेरे पास आया, कहते कि आप हीरो बनना चाहेंगे? तो मैंने कभी इसी के लिए तो आया हूँ मैं। तो उन्होंने फिर कहा लेकिन पिक्चर पंजाबी है। तो चलेगा पंजाबी तो है ही, हम तो शुरू में कुछ काम तो शुरू करें। तो खैर वो नौकरी भी चल रही थी साथ साथ वो पिक्चरें भी चली। तो चौधरी कर्नैल सिंह उस पिक्चर का नाम था जिसमें बतौर हीरो आया था। बहुत मकबूल हुई पिक्चर, बहुत कामयाब रही। आप हैंडसम थे, गुड लुकिंग थे, इसके बावजूद आप हीरो नहीं बन पाए, आप विलेन बन गए। डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? देखिए अभी तो कोई रिग्रेट नहीं है, उस वक्त जब नहीं था, जब कैरेक्टर रोल्स में चला गया बना बन गया, तो मुझे अफसोस होता था यार कि मैं वेट करता शायद हीरो में भी कामयाब हो जाता। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे साथ बहुत से मेरे बड़े सुपरस्टार्स और लीडिंग स्टार्स मेरे साथ थे और बहुत बड़े हीरोज थे वो, तो वो कुछ जब तक उनकी पिक्चरें चलती रहीं तो वो ज़बरदस्त चलते रहे, और जब तक उनकी पिक्चरें नहीं चलीं तो फिर उन्हें ज़बरदस्ती चलाना पड़ा। तो फिर जो थे डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोड्यूसर्स जो थे वो ज़िंदगी से परेशान हो गए और उन्होंने उन लोगों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो बहुत से लोग मेरे साथ कलीग्स जो थे वो बेचारे आउट ऑफ वर्क हो गए। मैं अभी तक लगा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस वक्त जो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी कि मैं हीरो क्यों नहीं बन सका, ये वो अभी फीलिंग होती है कि कहते हैं ना कि वट एवर गॉड डज फॉर यू इट इज गुड फॉर यू, मे बी दिस इज एप्लीकेबल टू मी, सो नाउ आई हैव नो रिग्रेट्स नाउ। आप बहुत सारे सालों से विलेन रह चुके हैं, इनफैक्ट यू हैव बीन अ टॉप विलेन, उसके बावजूद यू आर वेरी वेरी पॉपुलर विद द ऑडियंसेस, हाउ कम? मैं इस बारे में सिर्फ एक ही लफ्ज कहूंगा, वो है कि हार्ड वर्क। जो हम हमारे प्रोफेशन में आते हैं लोग, उनको एक दफा अगर चांस मिलता है तो वो सोचते हैं कि वो बन गए, वो बात बिल्कुल गलत है। यहाँ टिल द एंड You have to keep on improvising, you have to keep on learning things. तो ये कुछ एकदम तो चीज़ समझ में आती नहीं, क्योंकि ये इतने डेप्थ है इन एवरी फील्ड। ये हमारी एक्टिंग में जैसे जिस फील्ड में मैं हूँ, तो यू हैव टू बी टोटली डेडिकेटेड। तो जो लोग मेरे ख्याल में मेरी वजह इस मुकाम पर इतने देर तक रहने की सिर्फ यही है कि मैंने कोशिश की कि मैं ऐसी परफॉर्मेंसेज या दिलचस्प परफॉर्मेंसेज, उसी परफॉर्मेंसेज के दायरे में कुछ ऐसा डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ें करता रहूं जिसे जिसे लोग मुझे बर्दाश्त करते रहें।